तीन चीजें अपने पास है, रेल बजट, इकोनॉमिक सर्वे एंड जनरल बजट। अभी जो लोग केवल स्टाफ सिलेक्शन एंड आईबीपीएस ऐसी तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा वो रेल बजट से जीके कर लिया, थोड़ा जनरल बजट से कर लिया, उनका काम हो गया। इकोनॉमिक सर्वे पर उन्हें इतना डिटेल में प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग यूपीएससी प्रिपेयर करें, खास करके अपना जनरल स्टडीज का मेंस का पेपर टू एंड पेपर थ्री, और इसके अलावा आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर उसका भी जो मेंस एग्जाम होता है, वहां पर भी आपको इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड काफी सवाल निकलते हैं। तो उस कारण से आपको ठीक है रेल बजट है जनरल बजट, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे भी बहुत डिटेल में प्रिपेयर करना पड़ेगा। जहां तक रेल बजट की बात है, आप प्रीलिम के पुराने पेपर उठा के देखें तो पता चलेगा कि उसमें कोई खास एमसीक्यू निकलते नहीं है प्रीलिम में रेल बजट से रिलेटेड। तो ठीक है, बेसिक प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद उसमें डिटेल में जाना नहीं है। जहां तक जनरल बजट का सवाल है, वहां पे भी थियरी एंड स्टैटिक पोर्शन, वहां से सवाल ज्यादा निकलते हैं। ऐसा नहीं होता कि यहां पे इस चीज का कितना कस्टम ड्यूटी है, इस टाइप के सवाल आते नहीं है। लेकिन अपना इकोनॉमिक सर्वे है, वो प्रीलिम में भी आपको उसमें सवाल निकलते हैं, मेंस में भी। आप में से जो लोग मेरी लेक्चर में पहली बार बैठे हैं उनको बोल दूं, इसमें से कुछ लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, सारे पावर पॉइंट स्लाइड मेरी वेबसाइट पे उपलब्ध है, आप जाइए इकोनॉमी सेक्शन में और आपको पूरा मिल जाएगा। शुरू करते हैं कि पहले तो ये इकोनॉमिक सर्वे बनाता कौन है, राइट? कौन बनाता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये सबसे पहला ड्राफ्ट प्रिपेयर करता है सीएसओ की मदद से। सीएसओ मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और ये किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये दोनों मिलकर अपना पहला ड्राफ्ट बनाते हैं। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहता है, वो इसको स्टडी करके उस पर अपने इनपुट्स एनालिसिस रखता है। बाद में ये जाता है फाइनेंस सेक्रेटरी को, और फिर फाइनेंस मिनिस्टर को, और फिर वो यस करेगा, बाद में आपको पार्लियामेंट में वो दिया जाता है। अच्छा, कोई बता सकता है ये बजट कौन प्रिपेयर करता है, कौन सा डिपार्टमेंट? सेम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, राइट? एमसीक्यू में तो पूछा जाए तो ये कौन, दोनों एक ही है। आगे ठीक है, वो प्रिपेयर करते हैं, लेकिन हमें क्यों प्रिपेयर करना है? तो ये आपको पता चल जाएगा एक एमसीक्यू देख के। अजर्शन रीजनिंग टाइप का है, गौर कीजिए। अजर्शन ये है, इन द रिसेंट ईयर्स वीमेन पार्टिसिपेशन रेट इन द लेबर फोर्स हैज डिक्लाइन, कि महिलाओं का जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है वो कम हुआ है, ये अजर्शन दिया है। रीजनिंग में बोला है देयर हैज बीन अ रैपिड इंक्रीज इन फीमेल पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरिया, कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में महिलाएं लड़कियां ज्यादा एजुकेशन की तरफ आ रही है। तो अदर्शन रीजनिंग के आपको ऑप्शन मालूम होते हैं कि दोनों सही है, दूसरा पहले को एक्सप्लेन कर रहा है, दोनों सही है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है दूसरा नंबर पहले को। थर्ड इज टू आर इज फॉल्स, फोर्थ पहला गलत है दूसरा सही है। तो आप 10 सेकंड सोचिए कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। आप में से कितने लोगों को यह लगता है इसका जवाब बी होना चाहिए? बी होना चाहिए, ऐसा कितने को लगता है? ओके, इसका सही जवाब है ए। ये जवाब क्यों है? इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर 1, ये अभी का जो आया उसका पेज नंबर 5, इसके अंदर ये वर्बेटिम दिया गया है कि महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन कम हुआ है, और मेजोरिटी ऑफ द एक्सपर्ट का ये मानना है कि इसका कारण यह है कि ज्यादा लड़कियां अब एजुकेशन की तरफ जा रही है, ग्रामीण इलाकों में भी और शहरी इलाकों में भी, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार के जो अजर्शन रीजनिंग में है, इसमें आपने जो सर्वे पढ़ा उसमें जो एनालिसिस दिया वही सही है, राइट? हम अपना लॉजिक चला के अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या लगेगा? देखिए, मुझे ये लगेगा कि मैं अपने हिसाब से ये सोचता हूँ कि जैसे जैसे कोई देश प्रगति करता है तो महिलाएं ज्यादा नौकरियां ज्वाइन करती है, राइट? अमेरिका में तो करीब करीब हर एक महिला किसी नौकरी में होगी। तो इस प्रकार भारत भी अगर डेवलप हो रहा है तो यहाँ भी लड़कियां ज्यादा होनी चाहिए। तो इस हिसाब से मुझे लगेगा कि ये जवाब, ये स्टेटमेंट गलत है, तो फिर मैं टी टिक कर दूंगा, ठीक? बोलने का मतलब ये है कि आप अजर्शन रीजनिंग में इस प्रकार के कुछ आपको सवाल दिखे तो अलर्ट हो जाना है कि ये या तो फिर ये अपने को इकोनॉमिक सर्वे में दिया है या फिर ऐसी कोई एकेडमिक बुक्स में दिया गया। आपको पक्का पता है तो ही आप इसे टिक करें, वरना फिर इसे स्किप कर दिए, ठीक? मार्केट रिव्यू में भी नहीं डालना है, वरना क्या होगा, आप लॉजिक दौड़ाएंगे तो फिर बी भी सही लगता है, डी भी सही लगता है, राइट? तो ये पहला कारण हुआ कि हमने इकोनॉमिक सर्वे क्यों पढ़ना है, वरना तो ये हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस सभी में आपको समरी तो मिल ही जाएगी, ये कॉम्पिटेटिव मैगजीन में भी आपको इकोनॉमिक सर्वे की समरी तो मिल जाएगी, लेकिन इस प्रकार के स्टेटमेंट पे वो नहीं जाते हैं। तो ऐसा ही इकोनॉमिक सर्वे सबसे पहले हम ओवरव्यू लेते हैं कि इसमें हमने क्या एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। पहले तो इकोनॉमिक सर्वे
के अंदर होता क्या है। फर्स्ट चैप्टर कुल मिला के 13 चैप्टर है और फिर 14 नंबर का स्टेटिस्टिकल अपेंडिक्स। इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर आपको क्या दिया गया है, बहुत सारे टेबल्स हैं, टेबल्स हमने प्रिपेयर करने हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के रिलेटेड, जो भी एमसीक्यू निकले कि जीडीपी है, एम्प्लॉयमेंट रेट है, जीडीपी के अलग अलग सेक्टर है उनका कितना कंस्टिट्यूशन है, उनमें से सबसे ज्यादा सेक्टर में कौन से सेक्टर में ग्रोथ रेट आया, वो सब हम इसमें देखेंगे। आगे बात के चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4, इसमें क्या आता है। चैप्टर नंबर 2 है इश्यूज एंड प्रायोरिटीज। इश्यूज एंड प्रायोरिटी में क्या दिया गया है, देखिए पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन में ही आपको बोल दिया कि ये अपनी समस्या है, ऐसा ऐसा कुछ ग्रोथ रहा है वगैरह बात की गई। अब उन सभी इश्यूज में से अपने प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, इसकी बात हमें चैप्टर 2 में से मिल जाएगी। चैप्टर 2 में स्पेसिफिक जो आपको टॉपिक प्रिपेयर करना है इवन मेंस एग्जाम के लिए, वो है, एक तो है फाइनेंशियल रिप्रेशन, वित्तीय दमन क्या है, एंड सेकंड इन्होंने रेकमेंड किया कि हमने एक प्रोडक्टिविटी कमीशन बनाया ना, तो ये क्या काम करेगा, मेंस के लिए ये दो टॉपिक हमने प्रिपेयर करे। बाकी पूरा अलग अलग जो रिफॉर्म्स की जरूरत है कि टैक्स कलेक्शन में क्या रिफॉर्म करेंगे, बजट मेकिंग प्रोसेस में क्या रिफॉर्म करेंगे, एग्रीकल्चर में क्या रिफॉर्म करेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट हम कैसे कम करेंगे, सब्सिडी रिफॉर्म क्या है, ये पूरा इसमें आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। आप सबको मैं रेकमेंड करता हूं कि आप ये चैप्टर पूरा पढ़ लीजिए अपने हिसाब से, राइट। क्यों, देखिए जो मुख्य परीक्षा में आपको पूछा है 100 वर्ड्स एंड 200 वर्ड्स, तो उसके लिए जो आपको कंटेंट चाहिए, पॉइंट चाहिए, आपको पूरा हर एक सवाल के लिए मिनिमम आपको 200 वर्ड्स का माल यहाँ से मिल जाएगा। तो जो लोग इंग्लिश मीडियम में देने वाले हैं आप इंग्लिश वाला सर्वे पढ़िए, जो गुजराती मीडियम में देने वाले हैं उनको भी मैं हिदायत करूंगा कि आप इंग्लिश वाला पहले पढ़े ताकि कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाए, और उसके बाद हिंदी पढ़िए। क्यों, टेक्निकल टर्म्स के लिए, फॉर एग्जांपल ये फाइनेंशियल रिप्रेजेंट, तो इसका मतलब क्या है, इसका होता है वित्तीय दमन, उस प्रकार से सारे जो कंसेप्ट है उनका हिंदी गुजराती करना है तो हमने हिंदी एडिशन वाला पढ़ना पड़ेगा, राइट। इन शॉर्ट चैप्टर 2 तो आपने पढ़ना है। थर्ड चैप्टर जो है पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस के अंदर इसने बजट 2013 उसका पूरा डिटेल दिया है कि उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे, तो ये अपने कुछ खास काम का नहीं है। उसके बाद उसने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है कि डायरेक्ट टैक्स में कितना कलेक्शन, इनडायरेक्ट में डेफिसिट कितनी थी, तो पिछले 4-5 सालों का उसने ओवरव्यू दिया है, और फिर क्या क्या एक टेबल दिया बड़ा, और फिर वो खुद ही उस टेबल को पूरा पढ़ने बैठ जाता है और जैसे पढ़ता है वैसे लिखता है कि 2012 में ये था, 13 में ये था, ऐसा करके करके 20 पन्ने भर दिए हैं। तो मतलब एग्जाम ओरिएंटेड इसमें इतना बहुत सारे पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि क्या टेबल का ही वापस डिस्क्रिप्शन दे रहा है, उसमें आपने कुछ लर्न करना नहीं है। कुछ थोड़े बहुत जो अच्छे पॉइंट्स है जैसे FRBM एक्ट, वो सब हम आज के लेक्चर में देख लेंगे। ये अपना चैप्टर 3, मतलब कि चैप्टर 2 आपने पढ़ना है, हाँ पढ़ना है, चैप्टर 3 क्या पढ़ना है जरूरत नहीं है। आगे फोर्थ चैप्टर ये है इन्फ्लेशन एंड प्राइस मैनेजमेंट। इन्फ्लेशन एंड प्राइस मैनेजमेंट में दो बात चल रही है। फर्स्ट आपको पता है RBI एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है और उसके जरिए मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है और उसके जरिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, तो इसके अंदर क्या सुधार की आवश्यकता है इसकी बात की गई फोर्थ चैप्टर में। लेकिन इसमें कुछ नया नहीं है, जो आपने उर्जित पटेल कमेटी बनाई गई थी RBI के द्वारा, तो उसने जो भी रिकमेंडेशन की बस उसी की हाईलाइट यहाँ पे वापस रिकैप की जाए, तो इसमें कुछ नया नहीं है। और सेकंड पार्ट है कि RBI अपने हिसाब से मॉनेटरी इन्फ्लेशन कम करने की कोशिश करेगा, बट जो फूड इन्फ्लेशन है उसे कैसे कम करेंगे, तो उसके लिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स की जरूरत है, APMC एक्ट में जो रिफॉर्म की आवश्यकता है, वो पूरा एक दूसरा स्ट्रीम चलता है, तो ये भी अलग से हम नहीं देखेंगे, ये इसके जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स है आगे एग्रीकल्चर का जब चैप्टर आएगा उसमें हम ऐड कर लेंगे। ये चैप्टर भी क्या आपको पढ़ने की आवश्यकता है, अभी आपको वक्त नहीं हो तो जरूरत नहीं, क्यों उर्जित पटेल तो हमने पहले देख लिया था, और ये एग्रीकल्चर वाले बाकी आगे के चैप्टर में हम देख लेंगे। उसके बाद के चैप्टर्स 5, 6, 7, फिफ्थ चैप्टर इज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज मतलब किसी भी इकोनॉमी के अंदर एक तरफ होते हैं हाउस होल्ड, दूसरी तरफ होते हैं बिजनेस फर्म, और इनके बीच जो पैसे का सर्कुलेशन होता है रेंट वेजेस प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड उस प्रकार से, तो उसमें जो मदद करते हैं ऐसे लोगों को हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। दो टाइप के होते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इनकी क्या परिस्थिति है, इनके क्या NPA रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, क्या रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, यहाँ बात की गई है। इस चैप्टर की हाईलाइट्स क्या है, मेन पॉइंट्स या पिलर्स हमने जो प्रिपेयर करने है। पहला जो जस्टिस BN श्री कृष्णा के अंतर्गत FSLRC फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाया गया, तो उसने जो भी रिकमेंडेशन की वही सारी इसमें वापस रिकैप की जाए, कुछ बहुत नया नहीं है। फॉर एग्जांपल की जो SEBI का अलग एक्ट है, RBI का अलग एक्ट है,
इंश्योरेंस के अलग एक्ट है, तो वो सब आप एलिमिनेट कीजिए और एक नया इंडियन फाइनेंशियल कोड बनाइए, ऐसी उसमें रिकमेंडेशन की गई है। सेकंड, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही है, मतलब पूरे जो पुअर हाउसहोल्ड है उनको इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सब सर्विस कैसे मिले, उसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसमें भी कुछ नया नहीं है। जो नचिकेत मोर कमेटी आरबीआई ने बनाई थी, बस उसी के पॉइंट्स वापस यहाँ पे रिकैप किए जा रहे हैं। एंड थर्ड, ये इंश्योरेंस के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, एनबीएफसी रिलेटेड कुछ रिफॉर्म्स है, ये टू इन शॉर्ट फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स वाले चैप्टर में ये बात हो रही है। क्या आपको इसे पढ़ना चाहिए? अभी के लिए वक्त नहीं हो तो चलेगा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप एफएसएलआरसी और वो तो पढ़ लिया होगा, नचिकेत मेरी साइट पे सब देख रहे हैं, बाकी तो ठीक। लेकिन हम लेक्चर में बात करेंगे अलग से, आपको जो बुक में से पढ़ना है इकोनॉमिक सर्वे में से, चैप्टर 5 इतना ठीक है। आगे की बात, सिक्स चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, ये हमने आगे लेक्चर में देख लिया था, बस वही बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ क्या किया है उसने, बैलेंस ऑफ पेमेंट का पीछे 4-5 सालों का डेटा दे दिया, और फिर डेटा देकर नीचे वो वही पढ़ रहा है और लिख रहा है कि 2004 में ऐसा था, फिर 5 में ऐसा हुआ, ऐसा करके 20 पन्ने भर दिए। यहाँ भी कुछ बहुत बड़ा मतलब एग्जाम ओरिएंटेड आपको माल नहीं मिलेगा। और सेकंड, इसमें बात चली है फेड टैपरिंग की, यूएस फेड टैपरिंग जो हो रहा है उसके कारण इंडियन इकोनॉमी को क्या नुकसान हो सकता है, और उससे बचने के लिए आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कदम लिया है, तो ये भी पूरा आपने साइट पे आर्टिकल पे देख लिया था, यहाँ भी लेक्चर में देख लिया था, बस वही पूरा रिकैप हो रहा है, बहुत यहाँ नई बातें नहीं चल रही है। सेवन चैप्टर इज इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें से आपने क्या प्रिपेयर करना है, चैप्टर में से जो फर्स्ट इंपोर्ट के अंदर अपना टॉप 5 कौन से है, वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर याद होना, पहले भी पूछा गया है, उसी प्रकार एक्सपोर्ट में। थर्ड, आपको ये देखना है कि इंडिया के जो ट्रेडिंग पार्टनर है, राइट, ये अमेरिका एंड सऊदी अरब है, तो उसमें भी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आपने देख लेना है। और सेकंड, जो स्ट्रीम चल रही है कि ट्रेड एग्रीमेंट्स, वैसे ट्रेड एग्रीमेंट आप इंडिया ईयर बुक में देखेंगे, 7 चैप्टर कॉमर्स, उसमें आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो नया कुछ डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन के देश के साथ आपने साइन किया, उसके क्या फीचर है, वो पूरा आपको माल यहाँ से मिल जाएगा। और यही आप पॉइंट्स वापस GS2 के जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला पॉइंट है, यहाँ भी आप यूज कर सकते हैं। तो हाँ, ये तो आपने वहां से देख लेना है, ये चैप्टर आपने पढ़ना है। आगे की बात, चैप्टर 8, 9, 10, 8 में बात चल रही है एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर में उसने बात की है जो फर्टिलाइजर सब्सिडीज है, फूड सब्सिडीज, पीडीएस सेक्टर में क्या रिफॉर्म है, ये पूरा आपको GS3 में प्रिपेयर करना है, राइट, इश्यूज रिलेटेड टू फूड सब्सिडीज एंड एवरीथिंग पढ़ेंगे, हाँ बिल्कुल पढ़ना है। और उसने बात की एक नेशनल कॉमन एग्रीकल्चर मार्केट की, ये जेटली ने भी अपने बजट में बात की, हम देखेंगे, ये इसकी हाईलाइट्स हैं इस चैप्टर की। आगे बात, इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस, इस चैप्टर में मेन जो पॉइंट्स है, माइनिंग सेक्टर के अंदर जो रॉयल्टी एंड उसका जो इश्यूज चल रहे हैं, माइनिंग के जो एक्ट है उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, ये बात की गई है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME, इसमें क्या अभी क्या स्कीम है और आगे क्या करने की आवश्यकता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिलेटेड और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये एक बॉक्स में दिया गया है, ये आप खास प्रिपेयर करें, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, राइट, वो MCQ में भी आपको परेशान कर सकता है, एंड ये GS3 में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो पॉइंट है वहां भी, जो बजट है उसके अंदर भी जो भी प्रावधान किए गए हैं, MSME के लिए अलग फंड, या फिर टेक्सटाइल में 9 क्लस्टर बनाएंगे आप, या फिर वो जम्मू कश्मीर में पश्मीना शॉल के लिए एक नया सेंटर बनाए, ये पूरे टॉपिक हम जब ये चैप्टर देखेंगे तो उसके साथ कवर कर लेंगे। उसके बाद 10 नंबर का चैप्टर है सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर में बात की गई ट्रांसपोर्ट है, टूरिज्म, IT, रियल एस्टेट, तो फिर ये बजट के अंदर जो भी नया है, हृदय है, प्रसाद है, फिर वो नमामि गंगे और पूरा जो टूरिज्म सर्किट डेवलप करेंगे, वो जो सारे पॉइंट है, स्कीम है, वो मैं इस चैप्टर के साथ कवर कर लूंगा। वैसे ये चैप्टर में कुछ खास एग्जाम रिलेटेड क्या है, MCQ रिलेटेड नहीं है, तो आपको अलग से इसे पढ़ने में कोई ज्यादा फायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं 11, 12 एंड 13, 11th वाला चैप्टर है एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जी रिलेटेड, इसमें बात की गई कोल बेड मिथेन एंड ऑयल गैस, और उसके अंदर जो प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सिंग के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं और आगे क्या करने की जरूरत है, ये पूरा आपको GS1 में भी परेशान कर सकता है, याद कीजिए 2013 में पूछा गया शेल गैस के बारे में, राइट, उसी प्रकार से ये कोल बेड मिथेन वगैरह कुछ पूछ सकते हैं, पॉइंट्स आपको सारे यहीं से मिल जाएंगे। बाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें पूरा जो GS3 वाला टॉपिक है, पोर्ट, हाईवे, रेलवे, एविएशन, कम्युनिकेशन, वो पूरा आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके अलावा जो PPP कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं उसमें क्या खामियां हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अगर PPP बहुत अच्छा है तो फिर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सिचुएशन इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा है, वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। और इवन चैप्टर 2 जो हमने देखा इश्यूज एंड प्रायोरिटीज, वहां से थोड़े पॉइंट, तो वो पॉइंट आप पकड़िए, यहाँ के पकड़िए, तो आपका पूरा जो GS3 रिलेटेड मटेरियल चाहिए बन गया, फिर आगे नेट पे से बहुत ज्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी।
इलेवंथ हो गया, इसे पढ़ना है, हाँ बेशक पढ़ना है, नोट्स भी बनानी है। ट्वेल्थ चैप्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें क्या बात कर रहे हैं, पहला कि ये अल नीनो क्या है और उससे इंडियन एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी को क्या प्रभाव हो सकता है। तो ये अल नीनो क्या है, टेक्निकल जो जियोग्राफिक पॉइंट से आपको देखना है, साइट पे जाइए, आर्टिकल आपको मिल जाएगा। उसके बाद उसने बात की मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और इसमें इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा। नेशनल एक्शन प्लान जो है क्लाइमेट चेंज रिलेटेड, वैसे तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने वो पहले प्रिपेयर कर ही लिए होंगे, बट एक बार देख ले ताकि रिकैप हो जाए। क्योटो एग्रीमेंट है और उसमें इंडिया का क्या पोजीशन है, वॉर्सो समिट हुआ उसमें हमने क्या पोजीशन लिया, ये भी पूरा आपको थियरी एंड मेरी साइट पे मौजूद है, देख लीजिए और यहाँ से फिर आप रिकैप कर लीजिए। पढ़ना है हाँ ये चैप्टर भी आपने पढ़ना है। 13 चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपना GS2 में जो पूरा चलता है सोशल सेक्टर रिलेटेड। क्या बात की गई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसमें जो डेटा दिया है वो 2012 वाले रिपोर्ट का है। 2013 का जो रिपोर्ट आएगा वो अभी अपना करीब 24 जुलाई को इसी महीने आने वाला है, तो आप वो पुराना तो ठीक है, ये नया वाले पर ज्यादा फोकस करिएगा। फिर वीकर सेक्शन जो है विमेन माइनॉरिटी चिल्ड्रन SC ST एल्डरली डिसेबल्ड, इनके लिए पहले से कौन सी स्कीम है पूरी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और जो नई स्कीम लागू की गई फॉर एग्जाम्पल ये एल्डरली के लिए नया पेंशन स्कीम वगैरह, तो बजट में जो भी उनके लिए प्रावधान है वो मैं इस चैप्टर के साथ कवर कर लूंगा। इसके अलावा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें क्या खामियां हैं और क्या स्कीम पहले से सरकार ने लगाई, वो भी आपको पूरा यहां से डेटा मिल जाएगा। वहां भी बजट में जो नए प्रावधान किए गए फॉर एग्जांपल स्मार्ट सिटीज और ये रूरल मिशन, वो सारा जो डिटेल है हम चर्चा करेंगे इस 13 चैप्टर के साथ। राइट, वापस पूरा बुक देखें हम तो क्या होगा, इंट्रोडक्शन, बाद में 12 चैप्टर्स और फिर स्टैटिस्टिकल अपेंडिक्स। अपेंडिक्स देखने की वैसे जरूरत नहीं, लेकिन आपको कभी अपना नोट्स में कुछ डेटा ऐड करना है, फॉर एग्जांपल कि एडिबल ऑयल सेक्टर के अंदर क्या कितना प्रोडक्शन वगैरह, तो देखिए बाकी ठीक है, जरूरत नहीं है। वैसे तो ये सभी चैप्टर आपने पढ़ने चाहिए, ताकि मैंने जो बताया अदर्स एंड रीजनिंग टाइप के सवाल, दो स्टेटमेंट सभी पे बिखरे पड़े हैं, लेकिन हो सकता है कि अभी प्रीलिम बहुत कम समय के बाद आने वाले, तो अपने पास टाइम नहीं है, तो कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से चैप्टर पे फोकस करेंगे आप। सेकंड चैप्टर जो है इश्यूज एंड प्रायोरिटीज वो देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर देख लेंगे सेकंड, फिर ये बाकी का पब्लिक फाइनेंस में तो मैंने आपको बोला कि इसमें तो केवल डेटा ही दिया गया, कोई बात आ नहीं रही है। थर्ड जो इन्फ्लेशन है उसको आप इग्नोर इसलिए कर सकते हैं कि उर्जित पटेल वाला तो पूरा कमेटी में आपने कवर कर लिया है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स में भी वो FSLRC वाला आपने पहले से कवर कर लिया होगा, इसमें कोई बहुत नई बात नहीं चल रही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी मैंने जो लेक्चर किया था उसमें ज्यादातर बात होगी, फेड टैपरिंग वाले भी पूरा कवर हो गया है, ये आपने करना है क्योंकि मैंने बताया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डेटा है असेंडिंग डिसेंडिंग खास याद कर लेना है। एग्रीकल्चर में स्कीम वगैरह की बात है, फिर कौन से क्रॉप का ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ये सब असेंडिंग डिसेंडिंग आपने देखना है। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी देखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये वाले चैप्टर्स आप प्रीलिम के लिए ज्यादा फोकस करें, बाकी के जो जितना समय मिले उस प्रकार से, और जैसे ही प्रीलिम खत्म होता है बाद में तो आप पूरे चैप्टर्स देख लीजिए। अब हम बात करेंगे चैप्टर 1, 2, 3 एंड बजट रिलेटेड। आप में से कई लोगों को यह भी हो सकता है कि मजूरी करने की क्या जरूरत है, कुछ हिंदू में से एंड फ्रंटलाइन में से थोड़ा थोड़ा देख लेंगे और पॉइंट्स बना लेंगे। राइट, देखिए आपके घर में वो डिश टीवी या टाटा स्काई होगा तो उसमें एक होता है मूवीज ऑन डिमांड का स्कीम। राइट, कि 10-10 जो भी नई मूवी आई है और चैनल पे अभी तक नहीं आई, तो आप 10-10 मिनट का वो प्रीव्यू दिखाते हैं और फिर स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है कि आपको ये मूवी ऑर्डर करने के लिए ये वाले नंबर पे आप कुछ कीजिए। तो जो हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस उसमें जो बात चलती है फॉर एग्जांपल फेयर टैपरिंग की या कोई भी इन्फ्लेशन, तो वो बस ये 10-10 मिनट वाला हाईलाइट ही वो दिखाते हैं, आपको पूरा पिक्चर तो कभी देखने नहीं मिलेगा। पूरा पिक्चर देखना है तो फिर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको सारे मुद्दे मिल जाएंगे एक साथ ही। हर पॉइंट पे आपको मिनिमम 10 पॉइंट्स, हर सवाल पे 10 पॉइंट्स यहां से मिल गए। एग्जाम में अगर 5 भी याद रह गए तो फिर उस पर आप जवाब बना सकते हैं, इसलिए इसे खास पढ़िए। फिर जो भी हिंदू इंडियन एक्सप्रेस अपना योजना वगैरह में से पॉइंट्स मिले आप नोट उसमें से अपडेट करते जाइए। अब हम बात करेंगे चैप्टर 1 से, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। चैप्टर 1 जो है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी और जो बजट स्पीच दी गई है, दोनों की शुरुआत एक ही बात से होती है कि अपना जो GDP ग्रोथ रेट है वो सब 5% हो गया, 5% से नीचे आ गया है। जो ग्राफ दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं
2012 एंड 13 दोनों में जीडीपी ग्रोथ रेट जो था 5% से कम है, बाकी के जो दिए गए ठीक है वो। अगर कुछ याद भी रखना है कुछ ट्रिविया तो ये याद रखिए कि 9% से ज्यादा ग्रोथ रेट कब था, 3 साल कंटिन्यूअस था 2005, 2006, 2007। दूसरा, ऐसे 2 साल की जहां पे बिलो 5% ग्रोथ रेट कंटिन्यूअस रहा, तो ऐसा यहां पे हुआ है आपने 2012-13 में, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहले भी हुआ है कब 86-87 में हुआ है। ठीक है, ये तो थोड़ा हम बैकग्राउंड में जीडीपी रिलेटेड कुछ देख लेते हैं थियरी। जीडीपी माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। तो जीडीपी का ऑफिशियल डेफिनेशन या क्या बताएंगे आप, फाइनल वैल्यू अंतिम कीमत ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड यूजुअली अ ईयर। एक साल के अंदर किसी देश के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उसका फाइनल अंतिम कीमत क्या है वो आप एडिशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा जीडीपी। तो अब आप मुझे सोच के बताइए, अनिल कपूर ने कोई मूवी या सीरियल वगैरह बना लिया तो उसकी जो वैल्यू है हमें इसमें डालनी चाहिए, यस और नो? डालेंगे प्लस। अच्छा, अदनान सामी मुंबई में बैठा बैठा कुछ ऑडियो सीडी बना रहा है और असल में उसका पासपोर्ट कनाडा का है, तो क्या हम इसमें जीडीपी में ऐड करेंगे? यस। ये एक नर्स है, इराक, इंडियन नर्स है जो इराक के अंदर गई, वहां उसको जो सैलरी मिल रही है वो जो सर्विस कंट्रीब्यूट कर रही है, क्या उसे हम यहाँ पे ऐड करेंगे? नॉट एप्लीकेबल, राइट। अच्छा, तो क्या इराक वालों को उसका ये ऐड करना चाहिए अपने में? यस। तो ये हुआ अपना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब सवाल हो सकता है, मान लीजिए एक ऐसा कोई देश है कि वहां केवल ऑनियन ही प्रोड्यूस होते, कोई सर्विस वगैरह कुछ नहीं, केवल ऑनियंस, ओके। 2012 के अंदर मान लीजिए कि इन ऑनियंस की कीमत थी 100 रुपए और आप 2013 में आइए तो क्वांटिटी नहीं बढ़ा है, केवल इन्फ्लेशन के कारण प्राइस बढ़ गया है, 100 से बढ़ के हो गए 150, राइट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इस देश का जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ के 50% है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं? नहीं बोल सकते। लेकिन ये जो हो रहा है, ये जो यहाँ पे हो रहा है, इसे हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, ओके। कि ये जो नया बढ़ा है ये केवल नाम का है, नॉमिनल है, तो फिर रियल जीडीपी क्या होगा इस देश का या फिर इंडिया का रियल जीडीपी क्या होगा? तो हमने क्या करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन के हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेना चाहिए। तो ये काम कौन करेगा, कैसे करेगा? पहले तो हमने एक बेस ईयर पकड़ना है 2004, कि वहां पे उस ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज थी उनका क्या कीमत था और उसके अनुपात पे अभी क्या कीमत है, राइट। तो ये एडजस्ट करने के लिए हमें एक नंबर चाहिए, उसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर का कैलकुलेशन करेगा CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास उस 2004 के भी डेटा रहते हैं यहाँ के भी, तो उसे एडजस्ट करके वो बनाएगा जीडीपी डिफ्लेटर। अभी क्या करेंगे, ये जो अपना नॉमिनल जीडीपी है, महंगाई के कारण जो बड़ा हुआ अपने को नंबर मिला है, उसको हम डिवाइड कर लेंगे किससे, जीडीपी डिफ्लेटर से। तो हमको जो वैल्यू मिलेगा उसे क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी, ओके। रियल जीडीपी या फिर जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस, ये हमें इस प्रकार से मिलेगा। सोच के बताइए कौन सा वाला नंबर बड़ा होगा, नॉमिनल की रियल? नॉमिनल वाला बड़ा होगा, राइट, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण वो तो बढ़ गया है। इसका फॉर्मूला सेज आपको उल्टा करके भी पूछ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड विद जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल्स नॉमिनल जीडीपी, सही है? सही है ना, नॉमिनल से डिवाइड करें तो फिर सामने ले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन आएगा, ओके। ठीक है, जीडीपी का कुछ देख लिया, अभी बात करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, जीएनपी। नेशनल मतलब देश, तो फिर देश मतलब देश के देशवासी अगर बाहर भी हैं तो उनका भी हमने इनकम गिनती में लेना है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, अनिल कपूर का पूरा इंक्लूड करेंगे? हाँ करेंगे। अदनान सामी का पूरा जो प्रोडक्शन है उसे इंक्लूड करेंगे? नहीं, वो हम माइनस कर देंगे। और उसी हिसाब से जो ये नर्स सऊदी अरब में है, इंडियन नर्स अरब इराक जहां भी, तो उसका जो भी इनकम है यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो क्या मिलेगा अपने को, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी। फॉर्मूला के रूप से बोलना हो तो क्या बोलते हैं, जीएनपी इक्वल्स जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। टर्म नोट कीजिए, नोट नेट। नेट का मतलब क्या है कि यहां से यहां के लोग हैं बाहर वाले इनको माइनस कर देंगे और बाहर के जो अपने हैं उन्हें प्लस करेंगे, तो अपने को नेट मिलेगा। वो जो नेट मिलेगा उसे हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा जीएनपी, ओके। थोड़ा और कंसेप्ट थियरी देख लेते हैं। सोच के बताइए, जीएनपी से यदि मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा,
नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, ओके ये मिलेगा उसको बोलते हैं एनएनपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है मार्केट प्राइस, एंड दूसरा होता है फैक्टर कॉस्ट पर क्या है इसमें। देखिए ये मान लीजिए शर्ट है, शर्ट का जिसने भी शर्ट इसे मैन्युफैक्चर किया तो क्या किया होगा उसने, फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल किए होंगे, ओके लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो उन फोर फैक्टर्स ने अपना जो भी वैल्यू कंट्रीब्यूट किया उसका हम एडिशन करेंगे तभी इस शर्ट का अपने को फैक्टर कॉस्ट मिलेगा, राइट। तो मान लीजिए कि यहाँ पे है ये फैक्टर कॉस्ट इस शर्ट का, लेकिन जब बाजार में आएगा तो क्या होगा, इस पर इनडायरेक्ट टैक्स भी लगेंगे, तो ये फैक्टर कॉस्ट से प्राइस ऊपर चला गया, राइट। तो अभी मुझे नीचे लाना हो तो मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा इनडायरेक्ट टैक्सेस को, माइनस कर मुझे फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना है। इसलिए अभी ये भी हो सकता है केस में कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो कुछ सब्सिडी सरकार ने दी हो, तो जो इसकी असली कीमत है, इसकी औकात है जो फैक्टर कॉस्ट, उससे इसका प्राइस कम हो गया हो, राइट, सब्सिडीज के कारण। तो मुझे अभी वापस फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, सब्सिडी को इसमें प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मुझे जो जॉब मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, याद रहेगा। जीएनपी से डेप्रिसिएशन को निकाला तो क्या मिलेगा, एनएनपी, लेकिन कौन सा वाला, मार्केट प्राइस वाला, और फिर उसमें हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को निकाल दिया, सब्सिडीज को ऐड कर दिया, तो क्या मिलेगा, फैक्टर कॉस्ट वाला। एक आसान सा सवाल है, 97 में पूछा गया व्हाट इज नेट नेशनल इनकम, चार ऑप्शन है एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें से क्या है, ये पूरा आपने एनसीईआरटी के क्लास 12 वाली चेक बुक में दिया है जवाब उसका होता है। ये जो अपने हमने जो फाइंड किया फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसको बोलते हैं नेशनल इनकम, ओके। और ये अपने सर्वे के हिसाब से हम देखें नेशनल इनकम को, फिर पूरी आबादी से हम डिवाइड कर लेंगे तो क्या मिलेगा, पर कैपिटा नेशनल इनकम। तो 2013 की कितनी है, 74,384 के आजूबाजू चल रही है। तो इस कारण अपना क्या, नेट नेशनल इनकम का मतलब क्या है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये आप याद कर लीजिए। उसके अलावा एक बात आती है नेशनल डिस्पोजिबल इनकम, ये क्या चीज है, वापस याद कीजिए, जो जीएनपी था उसमें से मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा तो क्या मिलेगा, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, ओके। लेकिन उसमें हमने करंट ट्रांसफर भी ऐड कर देनी है। अभी ये करंट ट्रांसफर क्या चीज है, बीओपी हमने प्रिपेयर किया था याद कीजिए, उसके दो पार्ट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ओके। तो करंट अकाउंट था उसमें फिर सब पार्ट बने विजिबल एंड इनविजिबल, और जो इनविजिबल थे उसके अंदर कंपोनेंट्स थे एसआईटी, सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांसफर। तो जो ट्रांसफर होती है क्या, डोनेशन एंड रेमिटेंसेस, ओके। वो डोनेशन एंड रेमिटेंसेस आप यदि ऐड कर दें एमपी में करंट ट्रांसफर वाला, तो फिर आपको क्या मिलेगा, नेट डिस्पोजिबल इनकम, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ फॉर्मूलाज हैं, तो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, एनसीईआरटी क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स उसका सेकंड चैप्टर, और उसमें भी टॉपिक नंबर 2.3 दिया है, 2.3 से लेके चैप्टर के अंत तक, वो पूरा पढ़ लीजिए और उसके सारे फॉर्मूलाज याद कर लीजिए। उसमें फिर पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजिबल इनकम नेट ये वो दिया है डिटेल में। और ये जब आपका थियरी कंप्लीट हो जाए तो फिर आप सर्वे का चैप्टर 1 खोलिए और उसके अंदर टेबल 0.1 दिया है, उसमें आपको जीडीपी का डेटा मिलेगा, प्रोडक्शन इन्फ्लेशन डेफिसिट पूरा ये आप देख लीजिए, तो असेंडिंग डिसेंडिंग उसमें थोड़ी सुविधा रहेगी। पॉपुलेशन की बात है तो यही जो टेबल है वहां पे आपने सर्वे में दे दिया है, सेंसर 2011 के हिसाब से अपनी पॉपुलेशन कितनी है, 121 करोड़, ठीक है। हम वापस आते हैं जो शुरू किया था कि अपनी समस्या क्या थी, जीडीपी ग्रोथ रेट 5% से कम हो गया है, राइट। तो ये क्यों हुआ ऐसा, फर्स्ट चैप्टर के अंदर उसने डिटेल दे दिया कि अपना जीडीपी में इतना डिक्लाइन क्यों है। पहली बात, ग्लोबल स्लोडाउन था तो वहां से ही डिमांड कम हो गया, तो अपना प्रोडक्शन उस हिसाब से कम हो गया। सेकंड, इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपको पता है लोग बैंक और शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड्स इसमें कम इन्वेस्ट करेंगे, गोल्ड एंड रियल एस्टेट में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, तो इसके कारण बैंक में पैसा कम जा रहा है तो क्रेडिट वो लोग कम दे पाएंगे बिजनेस को, बिजनेस को अब कैपिटल कम मिल रहा है तो क्या होगा, बिजनेस एक्सपांशन कम होगा, एक्सपांशन कम होगा तो प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाएगा। आगे बात, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाई साइड बॉटलनेक्स। फॉर एग्जांपल, आपने थर्मल पावर प्लांट खोलने की मंजूरी दे दी लेकिन कोल माइनिंग के साथ उसका पूरा रोड रेल कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। कई केस में ये हुआ कि एनवायरमेंट क्लियरेंस वापस ले लिया, बंद करवा दी कोल माइंस, तो फिर अब थर्मल पावर प्लांट को तो वापस कोल नहीं मिल रहा है, तो एनर्जी नहीं प्रोड्यूस नहीं हो रही, और उसके कारण सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में डिक्लाइन आया है। दूसरी बात, अपना जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो रॉ मटेरियल में बहुत कम वैल्यू एडिशन करता है। फॉर एग्जाम्पल की समझिए, एल्यूमिनियम दे दिया तो फिर वो उसमें थाली या फिर ग्लास ही बनाएंगे, उसका आईफोन बनाएंगे नहीं, राइट। ऐसा क्यों है, क्योंकि अपने पास लेबर फोर्स उतना स्किल लेबर फोर्स नहीं है, रिसर्च उतना ज्यादा नहीं है। दूसरी, एग्रीकल्चर के अंदर जो बात है,
एपीएमसी एक्ट है, एपीएमसी एक्ट का जो फिलोसॉफी क्या है, कोई भी किसान सीधा बाजार में जाकर अपनी चीज नहीं बेच सकता, उसे अपनी चीजें कहाँ बेचनी है, एपीएमसी की मंडी में, और फिर वो मंडी में पूरे मिडिलमैन रहते हैं, उनके कारण वो जो पूरा नेक्सस बनता है, ब्लैक मार्केट एयर होल्डिंग ये सब, उसके कारण फूड इन्फ्लेशन काफी हाई हो गया है। फूड इन्फ्लेशन हाई हुआ है उसके कारण वापस आप साइकिल देखिए, पब्लिक क्या करेगी, फाइनेंशियल एसेट में कम करेगी, गोल्ड में इन्वेस्ट ज्यादा करेगी, तो फिर ये जो कैपिटल कम मिल रहा है ये साइकिल बन गया अपना। आगे बात, ग्लोबल शोडाउन हुआ, अमेरिका में मंदी आई, यूरोप में है, उसके कारण इंडिया अकेला विक्टिम नहीं है, इवन अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज में भी जीडीपी उनका भी कम हुआ है, लेकिन वो धीरे धीरे रिकवर कर रही है, चाइना है, रशिया सभी, एक इंडिया ही अपना है कि जो इसमें से रिकवर नहीं कर रहा है। एक और पॉइंट दिया है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उन्हें जो भी मुनाफा हुआ तो क्या करना चाहिए, वापस बिजनेस में रीइन्वेस्ट करके एक्सपांशन करना चाहिए, राइट, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। ये जो सरकारी निगम है ये क्या करें कि डिविडेंड ज्यादा दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर को, डिविडेंड ज्यादा दे रहे हैं तो फायदा कौन सबसे ज्यादा लेके आएगी, सरकार, क्योंकि वो मेजोरिटी शेयर होल्डर है। ऐसा क्यों करवा रही है सरकार, ताकि वो जो अपना फिजल डेफिसिट पूरा कम हो सके, नई नई स्कीम चालू करा सके इस कारण। तो ये सारे पॉइंट्स उसमें दिए गए हैं, आपको फॉर्मल पॉइंट्स चाहिए तो आप इसी चैप्टर का बॉक्स 1.1 देख लीजिए, ये पूरी बात उसने एक एक पॉइंट में बताई है। आगे बात, एक कंसेप्ट है स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स, न्यूज़पेपर में भी आपने कई बार पढ़ा था, स्ट्रक्चरल कंसेप्ट चीज क्या है, स्ट्रक्चरल कंसेप्ट कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, अगर मैं किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट ज्यादा करूं, राइट, तो क्या होगा, बिजनेस एक्सपांशन होगा और उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी भी बढ़ना चाहिए, राइट, तो मतलब कि इन्वेस्टमेंट जितना बढ़े उतना जीडीपी बढ़ना चाहिए, तो उसका रिवर्स भी तो सही होना चाहिए, यदि इन्वेस्टमेंट कम हुआ है तो जीडीपी भी कम होना चाहिए, राइट, लेकिन इंडिया के अंदर क्या हो रहा है कि जब अपना जीडीपी हाई था 9% के आजूबाजू, तब इन्वेस्टमेंट रेट था 30% ऑफ जीडीपी, 30-35 में चल रहा था, और अभी अपना जो कम हुआ है जीडीपी, तभी भी इन्वेस्टमेंट रेट तो उतना ही है, 30% ऑफ जीडीपी चल रहा है, तो मतलब कि इन्वेस्टमेंट तो कम नहीं हुआ लेकिन जीडीपी अचानक से कम हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स है, और स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट कौन से हैं, ये हमने अभी जो इतने पॉइंट्स देखे ये सारे स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं। आगे क्या होगा, जीडीपी में कुछ सुधार आएगा कि नहीं, इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर के जो कंक्लूजन वाले दो पत्ते हैं उसमें बात की गई है। क्या बोलता है वो, कि ये 5% जो कम है जीडीपी ग्रोथ रेट, वो आगे बढ़ा के 7-8 में लाना होगा, तो कम से कम 2015 के बाद ही ये तो होएगा, उससे पहले रिकवरी आने के चांसेस कम है। दूसरी बात, इसने बोला है कि यूरोपियन कमर्शियल बैंक, उसने एक स्कीम लाई है, उसको बोलते हैं नेगेटिव डिपॉजिट इंटरेस्ट, मतलब वहां की जो रिटेल बैंक होगी, जैसे अपने एसबीआई वगैरह है, उनके पास भी जो फंड एडिशनल रहता है तो वो क्या करें, बिजनेस में वो लोन के रूप में नहीं दे रहे हैं, उनकी जो कमर्शियल बैंक है वहां पे वो दे देते हैं, तो ऐसा ये जो टेंडेंसी है वो बंद हो जाए, उसके लिए ये कमर्शियल बैंक ने क्या किया है, नेगेटिव डिपॉजिट रेट, मतलब यदि कोई बैंक ऐसा सरप्लस मनी वहां पे पार्क करेगी तो पैसा वो काट लेंगे, समझे, -10% के -0.1% के हिसाब से पेनल्टी में काटते रहेंगे, तो अब उन सभी बैंकों ने क्या करना पड़ेगा कि वहां से पैसे निकाल के कहीं लोन पे सर्कुलेट करना शुरू कीजिए, तो इस प्रकार से बिजनेस को ज्यादा कैपिटल मिलेगा, लोगों की भी स्पेंडिंग बढ़ेगी, तो अपने आप इम्पोर्ट जो इंडिया का है वो ऊपर चढ़ जाएगा। IMF ने वर्ल्ड जीडीपी का फोरकास्ट किया है, 2030 के लिए जीडीपी ग्रोथ रहेगा 3%, आगे 14 के लिए 3.6%। जेटली ने जो बजट अपना पेश किया उसके अंदर भी इसके रिलेटेड कुछ बात की है कि 7-8% जीडीपी अपना अगले 3-4 साल बाद ही आ सकता है, अभी तो चांसेस कम है। जीडीपी में मतलब बजट का लिए जेटली का अपना एम क्या रहा कि मुझे ट्विन डेफिसिट कम करनी है। ट्विन डेफिसिट मतलब क्या, एक होती है फिजल डेफिसिट, दूसरी करंट अकाउंट डेफिसिट, ये दोनों मुझे कम करनी है, तो आप अपने आप फिर जीडीपी ठीक हो जाएगा। खैर ये जो पूरा मेंस रिलेटेड अपने को कुछ पॉइंट्स चाहिए तो ये बन गए, अभी जो एमसीक्यू रिलेटेड कुछ पॉइंट्स चाहिए, यही इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर 1 की बात चल रही है, वहां पॉइंट नंबर 1.6 में एक डेटा दिया टेबल, इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर होते हैं, राइट, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर, तो उनका भी अपना अपना ग्रोथ रेट रहता है कि 2012 में वो इतना था प्रोडक्शन, 13 में इतना हुआ, तो कितना ग्रोथ हुआ। एमसीक्यू के लिए याद ये रखना है कि दो सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ आया, माइनिंग सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इस दोनों में नेगेटिव था, और हाईएस्ट ग्रोथ रेट जो था
वो आया फाइनेंस, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, बिजनेस सर्विस, मतलब सर्विस सेक्टर के अंदर ये जो एक कंपोनेंट है उसमें मैक्सिमम ग्रोथ रेट आया। एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज की बात है तो वहां पे 4.7% जितना ग्रोथ रेट। ये आप स्लाइड डाउनलोड करके बाकी के डेटा देख लीजिए, अभी पीछे के लोगों को ये पॉइंट छोटे हैं तो दिखेगा नहीं। दूसरा एक डेटा याद रखना है, हर एक सेक्टर का जीडीपी में शेयर कितना है, सबसे ज्यादा कौन प्रोवाइड करता है जीडीपी, तो ये है ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये वाला सेक्टर है सर्विस के अंदर, ये मैक्सिमम आपको दे रहा है जीडीपी में, इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। और सबसे कम कौन सा है, माइनिंग वाला सेक्टर, और माइनिंग वहां भी आप याद कीजिए कि वो नेगेटिव में जा रहा है, राइट। ये और ये चीजें अलग है, आप समझिए, ये माइनिंग की बात हो रही है तो पिछले साल कितना था, इस साल कितना हुआ ये, और ये जीडीपी के अंदर शेयर कितना है, मान लीजिए 100 रुपए का जीडीपी आया तो इसमें हर एक ने कितना कंट्रीब्यूट किया, इसकी बात चल रही है। एग्रीकल्चर यहाँ कितना कंट्रीब्यूट करता है, 14%, मैन्युफैक्चर 15, फाइनेंस, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट वो 21 में, ठीक है। सेक्टोरल शेयर इन जीडीपी, जीडीपी में कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, बोलिए, सर्विस, सेकंड नंबर पे इंडस्ट्री, थर्ड नंबर पे एग्रीकल्चर, 60-26-14। ये आसान भी लगता है और इसमें से सवाल भी पूछा गया है, 2007 में पूछा गया है कि ये जो जीडीपी के अंदर अलग अलग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है उसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, तो आंसर क्या होगा इसमें, सर्विस फर्स्ट नंबर पे, उससे कम तो इंडस्ट्री, एंड थर्ड नंबर पे एग्रीकल्चर, आसान है। तो अब आप मुझे बताइए कि सर्विस नंबर वन पे है, राइट, नंबर टू पे है मैन्युफैक्चरिंग, एंड थर्ड पे एग्रीकल्चर, तो जो लोगों को रोजगार मिलता है उसके अंदर कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा होंगे, और दूसरे नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग, देख लेते हैं, एग्रीकल्चर में 48% है अभी, सर्विस सेक्टर में दूसरे नंबर पे कितना 26 के आजूबाजू, और इंडस्ट्री में नंबर 3। याद रहेगा वहां और यहाँ पे फर्क है, समझे आप, जहां तक जीडीपी में शेयर की बात है सर्विस नंबर 1, इंडस्ट्री नंबर 2, एग्रीकल्चर नंबर 3। रोजगार देने की बात है एग्रीकल्चर नंबर 1, सर्विस नंबर 2, इंडस्ट्री नंबर 3। आपको सवाल हो गया यार ये कैसे सेट किया, कारण है, देखिए सर्विस के अंदर ये लोग ट्रेड को भी इंक्लूड करते हैं, आप समझे, वो जो फेरी लगाने वाले और ये सारे लोग हैं, फिर ये जो मजदूर हैं, ये सभी लोग सर्विस के अंदर गिनती में ले लिए, जो आपके घर वो काम वाली भाई, तो इसके कारण ड्राइवर है सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट, उसके कारण ज्यादा दिखता है। आगे एक फॉर्मूला दी है एग्रीगेट डिमांड की, याद कर लेनी है, इसी चैप्टर में दी है इसलिए याद करनी है, एग्रीगेट डिमांड की उसने फॉर्मूला दी है, फाइनल कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेक्स्ट एक्सपोर्ट क्या होगा, जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें से इंपोर्ट निकाल दिया तो अपने को मिलेगा नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट, ये आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एग्रीगेट डिमांड का ये फॉर्मूला इसने दिया है। एग्रीगेट डिमांड को इफेक्टिव डिमांड भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इसका फंडा क्या, ये क्या काम आता है, एग्रीगेट डिमांड का आपने नंबर निकाला तो आपको पता चलेगा कि देश ने जो भी जीडीपी प्रोड्यूस किया उसकी डिमांड क्या है उन चीजों की, उन गुड्स की, सर्विसेज की, वो डिमांड कितनी आपको पता चलेगी एग्रीगेट डिमांड वाले नंबर से। और इकोनॉमिक सर्वे में ये बोला गया कि एग्रीगेट डिमांड भी क्या होनी चाहिए, हर साल बढ़नी चाहिए आबादी और इसके हिसाब से, लेकिन जो ग्रोथ रेट रहता था वो पहले से कम हुआ, जैसे जीडीपी में ग्रोथ रेट कम हुआ इस प्रकार से एग्रीगेट डिमांड में भी ग्रोथ रेट कम हुआ है। कंजम्पशन की बात करते हैं, कंजम्पशन में वहां भी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, टॉप 5 हमने देख लेने, टॉप 3 देख लेते हैं, फूड बेवरेजेस एंड टॉबैको, इसमें सबसे ज्यादा लोग पैसा खर्च करते हैं, सेकंड होगा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, थर्ड होगा रेंट, फ्यूल एंड पावर, ये तीन पे सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है, पर्सनल गुड्स जो होते हैं लग्जरी आइटम्स इनमें कम। आगे बात, टोटल सेविंग्स रेट, ये क्या होता है, जीडीपी का टोटल सेविंग्स रेट निकालना हो तो हमने ये देखना होगा कि पब्लिक सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उसमें सेविंग्स में, प्राइवेट सेक्टर कितना और हाउसहोल्ड कितना, असेंडिंग डिसेंडिंग याद रखना है तो क्या याद करेंगे, पब्लिक सेक्टर सबसे कम दे रहा है, सेकंड नंबर पे प्राइवेट सेक्टर एंड थर्ड पे हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड के अंदर भी दो पार्ट बनाए जाते हैं कि उनका फिजिकल एसेट्स में सेविंग रेट कितना है और फाइनेंशियल एसेट में सेविंग रेट कितना है, तो कौन में ज्यादा होगा, फिजिकल में ज्यादा, गोल्ड, रियल एस्टेट, उसमें ज्यादा होगा, क्यों, महंगाई बढ़ी है तो वहां पे वो इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं। जो फाइनेंशियल एसेट्स रहती हैं म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर्स, बॉन्ड और फिर ये फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, इन सब में इनका कम हुआ है पहले से ज्यादा, ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा, यहाँ 7% है तो वहां 15% है। तो कुल मिला के ये जो टोटल सेविंग्स रेट होता है 2012 का डेटा मिलता है तो लगभग 30% के आजूबाजू चल रहा है,
सबसे ज्यादा था 2007 में 36%। तो इसमें कमी आई है, कमी क्यों आई है आप समझ सकते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ा है तो आप उसके कारण सेविंग्स कम होती है। इसके अंदर से हम एक assertion reasoning का सवाल देख लेते हैं। assertion ये है कि पिछले कुछ सालों में भारत के जो जीडीपी का जो सेविंग्स रेट है उसमें काफी कमी आई है, ये है assertion। रीजन दिया है हाउसहोल्ड्स टेंडेड टू सेव मोर इन फिजिकल एसेट्स देन इन फाइनेंशियल एसेट, कि जो हाउसहोल्ड है वो फिजिकल में ज्यादा सेव कर रहे हैं, फाइनेंशियल में कम कर रहे हैं। तो assertion reasoning में आपको ऑप्शन पता होते हैं चार, राइट, कि दोनों सही है, दूसरा पहले को एक्सप्लेन करता है। तो इस हिसाब से आप सोच के बोलिए क्या होना चाहिए, ए बी सी डी क्या होना चाहिए, देख लेते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट तो सही है, हमने अभी देखा 36 से सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया है, सही है, लेकिन ये दूसरा सही है कि नहीं? जवाब होगा दोनों सही है, लेकिन ये दूसरा पहले को एक्सप्लेन नहीं करता। क्यों नहीं करता? आप याद कीजिए हाउसहोल्ड वाला फिजिकल में ज्यादा करे कि फाइनेंशियल में, उसमें कोई फर्क नहीं कर रहा, क्यों? टोटल तो हमने दोनों को ऐड करके बनाया, राइट, तो मैं यहाँ पैसा डालूंगा, यहाँ फाइनल एडिशन में तो वो गिनती में आ ही जाएगा। तो टोटल सेविंग्स रेट में कमी आई है, उसका कारण ये नहीं है कि ये लोग यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे गए, हमने तो दोनों को ले लेना है। इसके कारण दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा वाला स्टेटमेंट पहले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। एक और assertion reasoning सीधा देख लेते हैं। ये बोलते हैं कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रेट में कमी आई है, एंड सेकंड कि प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट रेट पिछले सालों में काफी कम हुआ है। assertion एंड रीजनिंग इसका क्या होगा? इसका सही जवाब है दोनों सही है, और दूसरा स्टेटमेंट पहले को एक्सप्लेन करा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने वर्बेटिम ऐसा ही बोल दिया है उस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। तो ये आपने याद कर लेना है कि इन्वेस्टमेंट रेट कम हुआ है ओवरऑल, और वो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाले इन्वेस्टमेंट में कमी कर दी उसके कारण। ये है एमसीक्यू के लिए याद रखना है, चैप्टर 1 का पेज नंबर 10 उसका साइड बॉक्स में ये डेटा है। खैर इस प्रकार से बात चली, अभी आगे बढ़ते हैं, पेज 12 के करीब हम आए। उसके बाद वो क्या कर रहा है कि एक ओवरव्यू ही दे रहा है फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि दूसरे चैप्टर में हमने क्या बात की है, इंडियन इकोनॉमी में क्या इश्यूज रहते, प्रॉब्लम्स रहते, बात की उसने गोल्ड इंपोर्ट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट ये सब। तो हम जब बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला चैप्टर देखेंगे तो वो डिटेल में देख लेंगे। सेकंड उसने बात की है फीसर डेफिसिट, एफआरबीएम एक्ट, उसमें क्या दो दो लाइन का ओवरव्यू दिया है, तो ये हम आज के वाले चैप्टर में जब बजट देखेंगे तो साथ में ये कवर कर लेंगे। इन्फ्लेशन रिलेटेड उसने जो भी बात की है, तो जब प्राइस मैनेजमेंट वाला चैप्टर हम देखेंगे तो देखेंगे उसके साथ। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फेड टैपरिंग तो वो पहले भी मैं लेक्चर में बता चुका हूं, तो ज्यादा उसमें बोलने का है नहीं। इन शॉर्ट 12 नंबर पेज के बाद चैप्टर 1 में क्या चल रहा है, दूसरे चैप्टर का केवल ओवरव्यू आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने चैप्टर 1 में जो काम का था मुख्य परीक्षा के लिए, प्रीलिम के लिए, वो सब देख लिया। अभी चलते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 है इश्यूज एंड प्रायोरिटीज। इश्यूज क्या है, प्रायोरिटीज क्या है, उसके अंदर जो इसने बात की है, फर्स्ट है इश्यू है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस मतलब ये बजट के अंदर अपनी फीसल डेफिसिट वगैरह तो वो कम कैसे हो, इसके लिए क्या सुधार है, बजट में टैक्स की कलेक्शन ज्यादा बढ़े उसके लिए क्या रिफॉर्म करने चाहिए, बजट के अंदर हम बनाते हैं कि प्लान एक्सपेंडिचर है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, बराबर, तो प्लान एक्सपेंडिचर में हजारों करोड़ दे दिए तो भी कुछ अपना इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आ रहा है, उसके लिए क्या रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, वो सारे बात इसमें हुए, तो हम बजट के साथ साथ वो देख लेंगे आज ही। सेकंड इश्यूज प्रायोरिटीज में वो बात करता है इन्फ्लेशन रिलेटेड। तो इन्फ्लेशन में दो बात चली है कि एक फूड इन्फ्लेशन कम कर रहा है, दूसरा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में रिफॉर्म करना है। मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म की जो बात है उर्जित पटेल वही हाईलाइट है, नया उसमें कुछ बोलना नहीं है। एग्रीकल्चर तो हम जब वो चैप्टर देखेंगे तो यहाँ के पॉइंट्स वहां उठा के कवर कर लेंगे। थर्ड है कैपिटल मार्केट के अंदर जो रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, मतलब ये सेबी एंड आईआरडीएन है उसके अंदर, तो वही वापस वो जस्टिस बी एन श्री कृष्णा का जो एफएसएलआरसी था और उसने बोला कि इन सभी के एक्ट्स अलग कर उसे आप निकाल दीजिए और इंडियन फाइनेंशियल कोड लाइए एक नया, और बाकी जो सेबी है आईडी इन सबको कंबाइन करके आपने एक यूनिफाइड फाइनेंशियल एजेंसी बनाई है, वो यही बात चले, उसमें कुछ नया है नहीं। इधर चैप्टर 3 का जो हाइलाइट्स है ये। उसके बाद उसने चैप्टर 2 के अंदर कुछ मेंस रिलेटेड या एसे रिलेटेड कुछ पॉइंट है अच्छे वो देख लेते हैं। उसने तीन प्रकार के रिफॉर्म्स की बात की है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म रिफॉर्म्स यानी स्ट्रोक ऑफ अ पेन, एक फाइल पे आपने साइन कर दिया और काम हो गया, रिफॉर्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये पॉस्को प्लांट का जो था एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दिया तो वो शॉर्ट टर्म रिफॉर्म में आ गया। सेकंड हो सकता है मीडियम टर्म रिफॉर्म, कि बजट के अंदर आप कुछ
टैक्सेशन वगैरह में चेंजेस करें और मीडियम टर्म रिफॉर्म्स लाएं। लेकिन यदि आपने लॉन्ग टर्म कुछ रिफॉर्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? ओवरऑल आपको लीगल सिस्टम भी फिक्स करना है, रेगुलेटरी सिस्टम भी फिक्स करना है और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी चाहिए। इस प्रकार के लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स, अब क्या होता है ज्यादातर कोई भी सरकार शॉर्ट टर्म पे ज्यादा फोकस करती है, बहुत ज्यादा तो मीडियम टर्म पे। लॉन्ग टर्म कब होगा कि बहुत बड़ी क्राइसिस आ जाए, फॉर एग्जांपल 91 के अंदर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था, फिर एलपीजी रिफॉर्म्स आपने लिए। तो इस चैप्टर के अंदर बात ये की गई है कि इन दोनों की तो जरूरत है भी, लेकिन इस पे भी फोकस करने की आवश्यकता है, अपने को लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स चाहिए। और ये कैसे लाएंगे, तो एक नई बॉडी बनाएंगे परफॉर्मेंस कमीशन करके, और वो बॉडी पूरा रिकमेंड करेंगे और हम इस पे चलाएंगे। आगे बात, ठीक है, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स आएंगे तो उससे अपने को क्या फायदा होगा, शॉर्ट टर्म में क्या इफेक्ट दिख सकता है उसका। लॉन्ग टर्म रिफॉर्म होंगे तो इन्वेस्टर को यह लगेगा कि अभी सभी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट करेंगी, ज्यादा हमको डिविडेंड मिलेगा, उसके कारण क्या होगा, शेयर मार्केट में तेजी आएगी, खरीदी ज्यादा आएगी। सेकंड, हाउसहोल्ड को जब ये एश्योर हो जाएगा कि अपने को लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स आने वाले हैं, तो वो क्या करेंगे, बचत कम करेंगे, खर्च ज्यादा करेंगे। तो ये अच्छा है या बुरा है? ये अच्छा है। क्यों? खर्च ज्यादा करेंगे तो फिर डिमांड बढ़ेगी ना मोबाइल की, ऑटोमोबाइल्स की, सभी की, तो फिर इकोनॉमी हम क्या देखेंगे, बूम देखेंगे। एंड थर्ड, कि लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स आएगा, कुछ स्टेबिलिटी है, तो फिर एफडीआई एफआईआई ये इन्वेस्टर भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे और अपने मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। आगे बात, ये कहता है कि हमें फैक्टर मार्केट के अंदर भी रिफॉर्म की जरूरत है। फैक्टर मार्केट मतलब चार फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अभी एंटरप्रेन्योरशिप का तो मार्केट नहीं होता, वो अपने दम पे आप खड़े होते हैं, लेकिन बाकी के जो तीन है, लैंड मार्केट, लेबर मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, इसके अंदर क्या सुधार की आवश्यकता है। लैंड मार्केट में वो बोलता है कि जो लैंड एक्विजिशन लॉ आउटडेटेड है, उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। सेकंड, जो लैंड टाइटल क्लियरेंस नहीं रहता है, एग्रीकल्चर से आप फिर वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो कन्वर्जन करवाते हैं, एनवायरमेंट एंड ये सब, उसके अंदर हमने रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। फिर कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ये भी करना है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ अच्छा हो सकता है। लैंड मार्केट के अंदर ये रिफॉर्म्स हमने लेने हैं। लेबर मार्केट के अंदर, लेबर मार्केट में अभी क्या है कि आप फायर नहीं हो सकता, फिर लंबा कोर्ट लिटिगेशन चलता है, ट्रेड यूनियन का न्यूसेंस बहुत बढ़ गया है, तो इन्हें कम करने की आवश्यकता है, लेबर लॉज को रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। इसके रिलेटेड फिर आप बैकग्राउंड में प्रिपेयर कीजिए कि वो राजस्थान ने कौन से लेबर रिफॉर्म्स लाए, राइट। ये सब हमने कहा मुख्य परीक्षा उसमें भी ऐसे रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स चाहिए। तो आगे बात, पहला हमने फैक्टर मार्केट देखा, लैंड मार्केट, सेकंड इज लेबर मार्केट एंड थर्ड इज कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट की जहां से आप शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस अरेंज करते हैं, राइट। तो वो जो कैपिटल मार्केट है वहां पे क्या सुधार की आवश्यकता है, तो यहाँ वही टेप वापस चलाई जा रही है, जस्टिस बी एन श्री कृष्णा और उसकी एफएसएलआरसी कमेटी, उसने जो भी रिफॉर्म्स दिए वही कि हमने सारे पुराने लॉस को अबोलिश कर देंगे और एक नया इंडियन फाइनेंशियल कोड लाएंगे। रेगुलेटरी सेक्टर में सभी को जो अलग है, सेबी, आईडी, उन सबको जोड़ के एक नई यूनिफाइड फाइनेंशियल एजेंसी बनेगी। यही पॉइंट्स वापस रिसाइकल किए जा रहे हैं, और ये सब हम करेंगे, कैपिटल मार्केट के अंदर रिफॉर्म लाएंगे, तो इससे फायदा ये होगा। इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, ये सब इंटरनेशनल ट्रेड हब बन गए हैं, फाइनेंशियल हब बन गए हैं, ऐसा ही हम मुंबई के साथ भी कर सकते हैं ये सब सुधार लाने के बाद। खैर, तो चैप्टर टू के अंदर जो मेन हाइलाइट्स थी, ऐसे रिलेटेड पॉइंट्स, ये सब हमने देखा। बाकी जो आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इस चैप्टर टू के अंदर से, पब्लिक फाइनेंस के अंदर क्या क्या सुधार की आवश्यकता है बजट मेकिंग प्रोसेस वगैरह में, आज हम देखेंगे। इन्फ्लेशन मैंने बोल दिया, जब एग्रीकल्चर की बात होगी तब, जहां तक मॉनेटरी पॉलिसी की बात है वो तो उर्जित पटेल, एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स में हम देखेंगे। कैपिटल मार्केट में जो सुधार है तो वही भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स का जो चैप्टर देखेंगे तो उसके साथ हम उसे कवर कर लेंगे। हमने अब तक चैप्टर वन कंप्लीट किया, चैप्टर टू और चैप्टर थ्री मैंने बोला कि तो पब्लिक फाइनेंस में क्या है, केवल डेटा ही देख के आपको बोल रहा है कि ये हुआ। अब हम शुरू करेंगे बजट, और बजट के पैरेलल चैप्टर वन, टू एंड थ्री, उसमें क्या क्या रिकमेंडेशन थी वो देखते हैं।